सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने मतलब कि जितना कर लिया है पहले वो सारा पता होना चाहिए। देखो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एसिड और बेस वगैरह के बारे में बता था, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। भाई जिसको नहीं पता है एक बार देख लेना वो वीडियो वगैरह जो छूटी है। सुनो अब भाई जो हमारे पास ना उसके आगे है, सबसे पहले मैं तुम्हें एसिड के बारे में सारी की सारी बात बताऊँगा, ठीक है, कि एसिड होते क्या क्या हमारे पास और बेस क्या होते हैं, फिर सॉल्ट क्या होते हैं। तो हमारे पास टोटल एसिड के बारे में बताने के लिए हमें पूरी एक क्लास चाहिए होगी या फिर दो क्लास लग सकती है। उसके बाद जो मेरे पास बेस है उसमें भी दो से तीन क्लास लगेगी और सॉल्ट के बारे में भी, ठीक है भाई। सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो डाल लो एसिड की, ठीक है, कि भाई एसिड हमारे पास एक्चुअल में है क्या, ठीक है भाई। सबसे पहली बात मैं तुम्हें सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी तुमने नींबू काटा है, कभी भी नींबू काटा होगा, ठीक है। तो नींबू काटने पे भाई हमारे पास होता क्या है कि उसका जो टेस्ट होता है, ठीक है, कैसा टेस्ट होता है उसका, खट्टा खट्टा स्वाद आता है, बस हमारी कभी भी अगर हम नींबू काटते हैं उसका स्वाद कैसा आता है भाई, खट्टा सा आता है। तो उसको इंग्लिश में बोलता है सॉल्ट टेस्ट। तो भाई पहली बात ध्यान रखना, जो एसिड है, एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट, ठीक है, पहली बात तो लग रही है। उसके बाद ना भाई हम बात करते हैं कि एसिड हमारे पास ना, जैसे पहले मैं तुम्हें बताया एसिड क्या होता है। अगर मान लो एसिड की डेफिनेशन लिखने को आ गई, बस हमारी अगर कभी भी एसिड की डेफिनेशन लिखने को आती है तो हम क्या लिखेंगे, तो उसमें लिखेंगे ऑल दो सबस्टांस द टेस्ट ऑफ विच इज अ सॉर, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ऑल दो सबस्टांस विच आर सॉर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड, ठीक है। और हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे कि वो सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे अम्ल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद भाई समझो हमारे पास कि मैं तुम्हें दूसरी बात बताई थी, दूसरी बात ये थी भाई लिटमस पेपर के बारे में, तो बताया था लिटमस पेपर क्या होता है। जो लिटमस पेपर में तो बताया था कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है, क्या करता है भाई, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, ठीक है, सही लिखा भाई मैंने, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इन रेड, ठीक है। ये बातें पता लग रही है, अभी हम सिर्फ एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और क्या है उसके आगे जाके जो जो पढ़ना हो पढ़ना हो। सुनो भाई अब मैं तुम्हें ना कुछ कुछ इसके एग्जांपल देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ हमारे पास ऐसी है जिसका स्वाद खट्टा होता है, मतलब कि जिसको हम एसिड बोल सकते हैं। सबसे पहले मैं बोल सकता हूँ भाई मेरे पास कच्चा आम, ठीक है, मैं क्या इसका जैसे इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, एसिड का अगर मैं एग्जाम्पल लिखना चाहूँ तो बोल सकता हूँ रॉ मैंगो, ठीक है भाई। जो मेरे पास कच्चा आम है वो, दूसरा मेरे पास भाई रॉ ग्रेप्स, भाई कभी किसने खट्टे अंगूर वो खाए, कच्चे अंगूर खट्टे खट्टे होते हैं, ठीक है। तो जो मेरे पास रॉ ग्रेप्स है, ठीक है, ग्रेप्स है भाई, वो मेरे पास क्या खट्टे होते हैं। फिर मैं और बोल दूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, और उसके बाद है भाई इमली। सुनो बात सुन आ रही है, मैंने कहा मतलब कि मेरे पास क्या है, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया और इमली वगैरह हो गई, तो ये सारे सारे हमारे पास क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो मैं इसका एग्जांपल लिखे बस नारी, और बाकी सब लिख लेना। अब ना भाई हम अगली बात करते हैं कि हाँ भाई अगला मेरे पास है ऑर्गेनिक एसिड। समझो तुम्हारे एग्जाम में मतलब कि ना पहले दो से तीन बार क्वेश्चन आता है कि भाई ऑर्गेनिक एसिड क्या है, बात सुन रही है। तो ऑर्गेनिक एसिड सिंपल सी बात करें कि ऑल द एसिड विच इज प्रजेंट इन प्लांट एंड एनिमल्स, बात सुन रही है, प्लांट में और एनिमल के अंदर अगर कोई से भी एसिड अवेलेबल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो ऑर्गेनिक एसिड, तो द एसिड प्रेजेंट इन, द एसिड प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल मटेरियल एनिमल मटेरियल आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड,
बताओ भाई ये बातें पता लग रही है। उसके बाद जो मेरे पास थर्ड पॉइंट में तुम्हें बताना चाहता हूँ, देखो भाई थर्ड पॉइंट, अच्छा सुनो, थर्ड पॉइंट बताने से पहले तुम्हें कुछ कुछ एसिड के नाम बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है, जो मतलब कि जिसमें पाए जाते हैं ना उनके हिसाब से लिखवा दे रहा हूँ कि, अच्छा मैं साथ में लिखता जाता हूँ, तुम पहचान लें भाई कौन सा एसिड किस में होता है, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट लिखवाई ना, तो मेरे पास पहला है एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भाई, जो एसिटिक एसिड है वो हमारा पाया जाता है, अच्छा भाई एसिटिक एसिड को ना एथनोइक एसिड ही बोलते हैं, एथनोइक एसिड भाई, जो हमारा एथनोइक एसिड है ना वो सारे सारे पाए जाते हैं विनेगर के अंदर, भाई इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं, पता ना सिरका क्या होता है, जब भी चाउमीन वगैरह खाने जाओगे उसमें देख लेना अंकल सिरका दिखाना है कि कैसा है, वो दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है, वो एसिड होता है। उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है काइट्रिक एसिड बोलते हैं, भाई ये जो हमारे प्रेजेंट होते हैं ये होते हैं लेमन ऑरेंज के अंदर, लेमन्स एंड ऑरेंज, उसके बाद अगला है लैक्टिक एसिड हमारे पाए जाते हैं कर्ड के अंदर में, कर्ड समझते हो भाई क्या होता है, दही, ठीक है। और अच्छा भाई कर्ड को ना एक नाम से और बोला जाता है सोर मिल्क, ठीक है, सोर मिल्क के नाम से जानते हैं इसको, हमारे सुंदर क्या पाया था भाई लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अगला मेरे पास जो है वो है टैट्रिक एसिड है, टैट्रिक एसिड बोलते हैं, भाई ये जो हमारा पाया जाता है भाई इमली के अंदर, फिर लास्ट हमारे पास है ऑक्सैलिक एसिड, जो ऑक्सैलिक एसिड में भाई हमारा ये हमारे टमाटे उसके अंदर आते हैं, फिर लास्ट हमारे पास है फॉर्मिक एसिड, जो फॉर्मिक एसिड है आंट स्टिंग, भाई जब तुम्हें चींटी काटती है ना, ठीक है, चींटी काटते वक्त जो भी एक मान लो छोटा सा द्रव छोड़ के जाती है तुम्हारी बॉडी के अंदर, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं भाई फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, ये बातें पता लग रही है तुम्हें, सारी बात ना जनरल नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। उसके बाद हमारे पास क्या है कि अच्छा मैं तुम्हें वॉल्व एसिड बता दिए, मिनरल एसिड क्या होते हैं, अब तो मैंने कुछ कुछ मैं जो हमारे पास मिनरल एसिड के एग्जाम्पल हैं वो दे रहा हूँ एक बार साथ में, पहले ये वाले पता लगे, ठीक है, एक बार ना हाँ भाई चलो सुनो, एक अगली हेडिंग डाल लो, मिनरल एसिड क्या होते हैं, मिनरल एसिड्स, सुनो भाई देखो हमारे पास क्या है कि पृथ्वी से बने हुए या फिर किसी भी मिनरल से बने हुए जो एसिड होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड बोलेंगे, इसको लिखवा दो, एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ, मिनरल्स ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मिनरल एसिड, ठीक है भाई। नेक्स्ट हमारे पास है, अब मैं तुम्हें कुछ कुछ एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ इसके, भाई सबसे पहले मेरे पास जो है
वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है। फिर उसके अगला हमारे पास है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है भाई, देखो तुम्हें ना ये सारे के सारे एग्जांपल क्यों पता होने चाहिए ये समझो, कि कभी भी अगर ना तुम्हें मान लो क्वेश्चन लिखने को आए ना, तो क्वेश्चन को अच्छा प्रेजेंट करने के लिए, टीचर को समझाने के लिए कि भाई तुम्हें आता है वो ये सारे के सारे लिखना जरूरी जाते हैं। तुम्हें पहले लिखना है कि भाई मतलब मिनरल एसिड क्या होते हैं, तो पहले मिनरल एसिड की डेफिनेशन लिख दी भाई। सिंपल सी बात बोल दें, अगर हम पृथ्वी से जो भी एसिड हमें मिल गया है, पृथ्वी से मिला हुआ जो एसिड होता है ना भाई, उसी को मतलब पृथ्वी बोले, फिर मिट्टी से मिला हुआ एसिड बोल देंगे। ठीक है, जो हमारी धरती की जो मिट्टी होती है ना, उसमें जो भी एसिड अवेलेबल होते हैं पहले से ही, उसे हम क्या बोलते हैं भाई, मिनरल एसिड बोल देते हैं। ठीक है, मिनरल एसिड का एग्जांपल बता दिए, पहले मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड। हिंदी में लिखेंगे तो वह लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इस तरीके से लिखेंगे। भाई अब ना तुम्हें कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ, अभी ना मैं सिर्फ दो पॉइंट कराए हैं। ठीक है, अगला अब मैं जो क्लासीफाई करने जा रहा हूँ भाई, हमारे पास वो है एसिड ना, हमारे पास दो टाइप से होते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हें पीने के लिए एसिड दूँ, ठीक है, कौन सा, तुम नींबू वाला एसिड, नींबू का एसिड पी लोगे, या फिर जो तुम्हारे पास मिनरल एसिड है जो धरती से निकला है वो वाला एसिड पी लोगे, कौन सा एसिड पी लोगे? नींबू वाला एक हद तक पी लोगे ना, मतलब खा तो पाओगे किसी किसी के साथ, लेकिन जो मिनरल एसिड है ना, अगर तुम उसको खाने की सोचते भी हो, पहले तुम्हारा हाथ जलेगा और फिर जाकर मुँह जलेगा तुम्हारा, ठीक है, और फिर जिंदगी जल जाएगी, ऐसा होता है। क्योंकि भाई देखो, तुम समझ रहे हो इसमें क्या है, सबसे पहला जो मेरे पास है, देखो पहला मैंने बताया भाई कि जो मेरे पास मिनरल एसिड होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होंगे। चलो मैं तुम्हें दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जिससे तुम अपना वॉशरूम वगैरह साफ करते हो, ठीक है, हार्पिक तो अभी नया है, पहले एसिड से साफ होता है, ठीक है। तो समझो, एक एसिड ऐसा होता है भाई जिससे तुम अपना वॉशरूम साफ करते हो, दूसरा एसिड ऐसा तुम खाते हो, ठीक है, बस हमारी। अच्छा टोमेटो खाते हो ना, उसे बहुत से लोग बोलते हैं मतलब कि जो टोमेटो है ना, बहुत सारी चीज़ों को साफ़ करने के काम आता है, ठीक है, वैसे ट्राई करना तुम्हारा थोड़ा भी साफ़ हो जाता है उससे, ठीक है, उसमें एसिड होता है, उससे अगर रब करते हो ना काट के, तो उससे वो साफ़ होता है। तो मैंने क्या बताया भाई, एसिड हमारे पास दो टाइप्स हैं, पहला जो हमारे पास है वो कौन सा है, पहला मेरे पास होता है स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा क्या होता है वीक एसिड। बस में आ गई, दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इतना हो गया पहले सबका, तुम्हारा हुआ, चलो करो करो, नहीं कर दे, सुनो भाई अगली तुम्हें हेडिंग डालनी है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, ठीक है भाई। जो नेक्स्ट मेरे पास हेडिंग है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड है, तो भाई मैं इसके बारे में लिखवा लूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं और जो वीक एसिड है वो क्या होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, सुनो भाई जो भी, अच्छा सुनो तुम्हें याद कैसे करना है, जितने भी तुम्हारे पास मिनरल एसिड है, बात सुन आ रही है, जितने भी तुम्हारे पास मिनरल एसिड है वो सारे सारे क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जो भी तुम्हारे पास ये ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आ रहे हैं, बात सुन आ रही है, जो तुम्हारे पास ऑर्गेनिक एसिड के अंदर आ रहे हैं ये हमारे पास क्या हो जाते हैं भाई, क्या बोल देंगे इसको? अच्छा तुम बताओ हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है, हमारे पेट में एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम खाना खाते हैं ना तो वो क्या हमारे खाने को पचाने का काम करता है, ठीक। तो अब देखो दूसरी चीज़ और समझो, होता क्या जब भी कोई इंसान उल्टी करता है ना, तो मैं देखो फर्श ना हम पे जल सी जाती है, देखा है अभी नहीं देखा, तो कभी उल्टी करके देखना, सुनो कभी भी अगर उल्टी होती है ना, तो मतलब अगर किसी तुम ना वरना यूट्यूब पर देख लेना कि हाँ भाई फर्श कैसे हो जाती है उस टाइम, तो कभी भी अगर उल्टी होती है तो सबसे पहले हमारा जो माउथ है ना पूरा पूरा लार से भर जाता है, ठीक है, कभी तुम्हें उल्टी आने वाली होगी ना तो तुम्हारा मुंह तुमसे लार से भर जाएगा, ठीक है, और फिर अंदर का जो तुम्हारा एसिड है वो बाहर आता है, ठीक है। तो अच्छा ऐसा क्यों होता है पता है, अगर लार से नहीं भरेगा ना तो तुम्हारा पूरा मुंह जल जाएगा, ठीक है। तो जो एसिड है वो हमारे पेट में कौन सा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और भाई वो भी ना एक तरीके से स्ट्रांग में उसकी काउंटिंग कर सकते हैं आराम से, ठीक है, वो तुम्हारा हाथ वाथ जलाने के लिए काफ़ी है अगर हमारे पेट में, इसलिए मतलब कि अच्छा तुमने कभी कहा सुना होगा वैसे ना, इसके आगे और चैप्टर है ना उसमें बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं इसके, ठीक है, कौन सा एसिड किसके काम आता है किस किस तरीके से, ठीक। तो पहले जो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आज स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन तो ऐसे याद हो जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड, आर स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है भाई। ये बातें पता लग रही है। उसके बाद ना मैं अगला बोल दूं भाई, जो मैंने ये जितने भी एसिड लिखवाए हैं, ठीक है, ये सारे सारे हमारे क्या है, वीक एसिड में आ जाते हैं, वीक एसिड। क्या होते हैं भाई वीक एसिड, मतलब इन सब के नाम लिख दो और फिर लिख दो मेरे पास क्या ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, फैट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टैट्रिक एसिड, अब जाके ऑक्सैलिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, आर वीक एसिड, ठीक है भाई। ये सारी बातें पता लग रही, तो मैं क्या क्या है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें भाई। अब ना हमारे पास क्या है कि, तो मैं ये बता रहा हूँ, हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ कैसे लिखूँगा भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड को देखो कैसे लिखूँगा, इसमें सिंपल से लिख दूंगा ऑल द मिनरल एसिड, ठीक है। जितने हमारे पास जो मिनरल एसिड है ना भाई, बता दिया मैंने अभी कि जितने मिनरल एसिड हैं वो सारे सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर या ऑल द मिनरल एसिड आर स्ट्रॉन्ग, और जो मेरे पास अगली बात करते हैं वीक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये सारे के सारे, ऑल द ऑर्गेनिक एसिड आर वीक, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अगला, अच्छा ये सारे पास सुनना के पहले, हाँ भाई इसमें किसी दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक का हो गया सबका मिनरल एसिड तक। सो मैं मिनरल का देख रहा हूँ, उसके आगे देखता हूँ, सुनो भाई मेरे पास जो अब अगला है वो है कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड है, ठीक है। कंसेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट एसिड, सुनो भाई अब हमारे पास ना दो टाइप के एसिड की और बात करते हैं। अच्छा अभी तक सिर्फ दो पॉइंट कवर हुए हैं, ध्यान रखना हमारे पास अब सिर्फ दो पॉइंट कवर हुए हैं और बाकी पॉइंट बाकी है, अभी कम से कम 6 से 7 पॉइंट टोटल। पहले अभी हम बात करते हैं कंसेंट्रेटेड एसिड क्या होता है, दूसरा मेरे पास है डायल्यूट एसिड क्या होता है। भाई तुम्हें मिलावट के बारे में पता क्या होता है, पता होगा सबको कि मिलावट क्या है। सुनो भाई सबसे पहली बात मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ कि मैंने थोड़ा सा एसिड लिया, बात सुन आ रही है, मैंने क्या बोला भाई कि मैंने थोड़ा सा एसिड लिया। सुनो भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने क्या है थोड़ा सा एसिड लिया, उसमें बहुत थोड़ा पानी मिला दिया, बात सुन भाई। मैंने मान लो 1 लीटर लिया एसिड, ठीक है, उसमें मैंने जितना कम पानी मिलाया जा सकता है ना उतना कम पानी मिलाया, बात सुन भाई। मतलब कि मान लो 1 बूंद हो गया, 2 बूंद, फिर 1 ढक्कन पानी मिला दिया मैंने, तो मतलब जितना पानी मिलाया जा सकता है। बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारा पानी डाल दोगे ना तो ब्लास्ट कर जाएगा तुमसे वो, ऐसा है। बहुत सारे एसिड ऐसे होते हैं जो हाइड्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करके ब्लास्ट कर जाते हैं वो, जैसे कोई ऐसा एसिड रखा है तो एकदम से पानी ऊपर से डाल दोगे ना तुरंत ब्लास्ट कर जाएगा पूरा पूरा, और मुंह सारा जल जाना है सबका, फिर ऐसा होता है,
ठीक है, साइंस लैब में जो बहुत से लोग काम करते हैं ना जिनको पता नहीं होता, तो भाई उनके साथ ये हाल होता है। तो तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है कि एक एसिड ऐसा होता है जिसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर मिला सकते हैं, मतलब बहुत ही कम पानी मिला सकते हैं, बात समझ आ रही है, उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। ठीक है, दूसरा भाई मेरे पास है डायल्यूट एसिड। डायल्यूट एसिड हमारे पास ऐसा होता है जिसके अंदर तुम जितना ज़्यादा पानी मिला सको उतना अच्छा होता है। ठीक है, इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर होता है और इसमें मोर एंड मच अमाउंट ऑफ वाटर होते हैं, बातें पता लगी। तो भाई दोनों की डेफिनेशन छोटी सी लिखवा रहा हूँ मैं। कंसनट्रेटेड क्या होते हैं, विच कंटेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और भाई जो डायल्यूट है विच कंटेन मोर मच अमाउंट ऑफ वाटर। बताओ भाई कोई दिक्कत है इसके अंदर, छोटी छोटी दो डेफिनेशन लिखवाई है मैंने, पहले मैंने कंसनट्रेटेड है, दूसरा मेरे पास का है डायल्यूट एसिड है। भाई अगली हम बात करते हैं, देखो मैं तुम्हें क्या बताने जा रहा था एसिड के बारे में, तुम्हें दो पॉइंट लिखवाए हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या लिखवाया था, पहला पॉइंट था हमारे पास एसिड हैव सॉल्ट टेस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट लिखवाया। दूसरा पॉइंट मैंने तुम्हें लिखा एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये दो पॉइंट हुए, उसके बाद मैंने तुम्हें सारा लिखवाया था। ठीक है, हम अगली बात करते हैं भाई थर्ड पॉइंट की, कि हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है। देखो भाई थर्ड कह रहा है कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई क्या समझना है तुम्हें, ऐसी कोई सी भी चीज जिसके अंदर एसिड मिला हो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है उसमें, बात समझ आ रही है। ऐसी कोई सी भी चीज जिसके अंदर एसिड मिला हुआ होता है उसमें बिजली पास आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। कोई सा भी सॉल्यूशन, मान लो पानी है, ठीक है, पानी के अंदर तुम क्या है एसिड डाल दो। देखो वैसे पानी के अंदर ना पहले से इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, बिजली इसमें दौड़ती है ना, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें मान लो बिजली नहीं दौड़ती, बहुत सारे हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशन बहुत सारे उसको बोल सकते हैं विलयन बोलते हैं शायद, ठीक है, तो बहुत सारे हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें बिजली नहीं दौड़ती, लेकिन तुम उसमें जैसे ही एसिड मिला दोगे ना बिजली दौड़नी शुरू हो जाती है, बात समझ आ रही है। ये चीज़ होती है जैसे तुम्हारे पास बैटरी वगैरह सुना है, चलो उसके बारे में बताता हूँ बाद में, सुनो ये तीसरा पॉइंट पता लगा कि एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। भाई फोर्थ पॉइंट हमारे पास है, देखो भाई फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भाई देखो जिस पे हैशटैग लगाऊंगा समझना पॉइंट इंपॉर्टेंट है और तुम्हें समझने वाली चीज़ है वो। तो एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस बनाता है। सुनो मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, कभी भी तुम एक ना लोहे को उठाना, ठीक है, लोहे को उठाने के बाद ना उसके ऊपर डालना एसिड, ठीक है, या फिर छोड़ो एक ना किसी उसमें कभी भी ट्राई करना। सुनो एक मेरे पास क्या है कि एक कोई सा भी वो ले लो, कीप ले लो, ठीक है, टेस्ट ट्यूब होता ना वो ले लो, उसमें एसिड डाल दो थोड़ा सा, या फिर कहीं पर भी एसिड डालो उसमें थोड़ा सा मेटल डाल दो, ठीक है, मेटल डालते तुम देखो उसमें छोटे छोटे ना बुलबुले उठने शुरू हो जाएंगे, बात समझ आ रही है, उसमें छोटे छोटे बुलबुले उठेंगे और तुम उस पर हाथ लाओगे ना तो तुम्हें गर्म गर्म फील होगा। तो गर्म गर्म गैस कौन सी होती है, कौन सी गैस होती है गर्म गैस, हाइड्रोजन गैस होती है, ठीक है। अब सुनो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, मैं सिंपल सा ऐसा बोलूँ, कभी भी अगर हम क्या है कि मेटल को रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और वाटर तो रहते रहता है, ठीक है, बात समझ आ रही क्या बोल रहा हूँ। तो हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सुनो भाई जिसको ये चौथा पॉइंट समझ में नहीं आया भूल जाना कि तुम्हें कुछ आ रहा है फिर, ठीक है, क्योंकि अब से यहीं से शुरू होगा जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना। मैं तुम्हें एक पता था पहले बैलेंस करना किस किस को नहीं आया, इक्वेशन बैलेंस करना किसे नहीं आई है,
भाई देख लो सीख लो, वरना यहाँ पे वही काम आएगा। दुनिया बोलती है चैप्टर में उसका कोई काम नहीं, मैं बोल रहा हूँ है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि भाई एसिड है, एसिड को मैंने रिएक्ट किया है मेटल के साथ, एसिड को रिएक्ट किया है मेटल के साथ, तो मेरे पास क्या बन रहा है, ये सॉल्ट और प्लस में वाटर। ठीक है भाई सुनो, मैंने स्टार्टिंग में तुम सबको वाटर का फॉर्मूला लिखवाया था, याद होगा वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। बस ना रही H2O लिखवाया था। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे लिखा है H4O6, इसमें से अगर मैं हटा दूँ H2O क्या बचेगा तुम्हारे हिसाब से, तो H2 और O5 बचना चाहिए ना, ऐसे ही होना चाहिए ना, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें ना अब ना इसका इसका यूज़ बताऊंगा, क्या यूज़ है इसका। ठीक है, अब सुनो मैंने क्या बोला कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, मैं कोई सा भी एसिड ले लूंगा, कोई सा भी मेटल ले लूंगा, तुम्हारे पास एग्जाम में पता क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ए मेटल रिएक्ट विद एसिड बी टू फॉर्म दिस एंड दिस। ठीक है, बात समझ आ रही है, सुनो कैसा लिखाएगा कि ए ने यहाँ पे लिखाएगा ए रिएक्ट विद बी टू फॉर्म, यहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे कोई सा नाम दे देगा, कोई ना कुछ नाम दे देगा, यहाँ पे ले देगा सी। बात समझ आ रही है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई कैसे सॉल्व होगा ये, अभी तुरंत बताऊंगा पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई सा एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं इसका एग्जाम्पल में भाई मेरे पास मैंने ले रखा है, मेरे पास है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, मैंने एसिड की जगह एक मिनट भाई थोड़ा सा ना, अच्छा मैं थोड़ा उल्टा कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक बार यहाँ पे मेटल ले रहा हूँ, बात वही पड़ेगी, ये बात ना वही पड़ेगी, बस आगे पीछे रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिया है जिंक, ठीक है, और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। भाई यहाँ देखो सुनो, यहाँ जो खाली जगह है ना, तुम इसे अपने आप कैसे भरोगे, तुम्हें इन दोनों में दोनों का नाम पता होगा। यहाँ देखो, तुम्हें ये वाला अलग करना आता है, वाटर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, H2O लिखोगे। बात समझ आ रही है, देखो इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता लग जाएगा ना। वैसे मैं क्या बता रहा हूँ, देखो मेरे पास क्या होगा, एक जिंक है, ठीक है, मेरे पास क्या है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या अलग होगा, अलग क्या होगा, वाटर अलग होगा ना। ठीक है, पानी मेरे पास क्या अलग हो जाएगा, पानी का जो केमिकल फॉर्मूला क्या है, हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, तो H2O है। तो अगर मैं इन दोनों में से, मैं मान लो इनका फॉर्मूला लिखता हूँ, अभी फॉर्मूला लिखने के बाद अगर मैं इसमें से पानी को अलग कर दूँ, तुम बचाव लिख पाओगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इसमें से अगर पानी को अलग कर दूँगा तो बचाव लिख पाओगे, लिख लोगे ना, ये चीज़ सिखाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिंक सल्फाइड, उसके बाद है हाइड्रोजन, ओ यार वाटर गलत ले रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास, सिर्फ सॉल्ट तक ले लो एंड हाइड्रोजन, ये नेक्स्ट ले लिया था यार भाई, यहाँ पे हाइड्रोजन कर लेना एक मिनट, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन, ऐसे भाई अगला लिखा, ये मतलब मेरे पास जो रिएक्शन हुआ था, एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर है। ठीक है, क्या मेरे पास सॉल्ट एंड वाटर है, तो एसिड रिएक्ट मेरे पास क्या, मेटल ने रिएक्ट किया एसिड के साथ, तो क्या बन गया भाई, सॉल्ट और प्लस मेरे पास हाइड्रोजन बना है। यहाँ देखो, तो मैंने यहाँ देखो और सब कुछ सही है, मेटल की जगह मैंने कोई सा मेटल ले लिया जिंक, फिर मैंने एसिड के नाम पे मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। बात समझ आ रही है, सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे सॉल्ट बचेगा, सॉल्ट बचना चाहिए ना, और सॉल्ट का नाम क्या होगा भाई, सॉल्ट का मेरे पास नाम है, वो है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये बातें पता लग रही है, मैंने क्या बताया कि जिंक लिया है मैंने, जिंक को मैंने सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डाला, मैंने तुम्हें एग्जांपल था ना अभी कि एक मैं क्या कर रहा हूँ कि एक मेटल ले रहा हूँ, मतलब एक एसिड ले रहा हूँ, मैं एसिड के अंदर मैं डाल रहा हूँ कोई सा जिंक, मतलब कि लोहे का टुकड़ा डाल दे रहा हूँ मान लो, वैसे मैं जिंक लिया, मैंने जिंक को डाला, तो क्या होगा उसमें से बुलबुले निकलेंगे, बुलबुले निकलेंगे ना, तो जो बुलबुले निकलेंगे उसका नाम क्या भाई, हाइड्रोजन है, जो नीचे बच गया मेरे पास क्या हो, जिंक सल्फेट बचेगा। बात समझ आ गई, अब ना भाई देखो इसके आगे जो हमारे पास है ना, मैं तुम्हें इसका केमिकल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जिंक का ZN होता है, पता होगा तुम्हें भाई, जिसको
वो वाले से नहीं पता ना, मैंने 118 जो टोटल है याद करने हुए थे उसे याद कर लेना। ठीक, अगला मेरे पास है सल्फ्यूरिक एसिड। भाई सल्फ्यूरिक एसिड का जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मेरे पास है H2SO4 प्लस H2SO4 है, ZN प्लस H2SO4। भाई क्या अलग करना है हमें यहाँ पे, यहाँ पे आके मुझे क्या अलग करना है, सिर्फ हाइड्रोजन अलग करना है। हाइड्रोजन क्या होता है मेरे पास, H2। देखो इन दोनों में से मैंने क्या अलग किया मुझे खुद बताओ, इन दोनों में से मैंने H2 अलग किया। देखो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारे एग्जाम में कुछ लिखा A react with B to form this and C, बात समझ आ रही है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तुम्हें लिख के दे देगा, तो तुम्हें तो इसका नाम पता होगा ना। मैंने क्या, इसने बोला A metal react with acid B, ऐसा क्वेश्चन लिखाएगा A metal react with acid B to form this, यहाँ पे कुछ ना कुछ नाम लिख देगा एन सी, ऐसा नाम लिखा हुआ आता है। तुम्हें अब यहाँ पे बताना है कि भाई किस तरीके से करना है। मैंने क्या बताया, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसने क्या किया भाई, एक तरीके से रिएक्ट किया है। ठीक, जिंक ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया है, तो मैंने सिर्फ क्या अलग किया, मुझे पता है ना हाइड्रोजन अलग करना होता है। ये तो भाई तुम्हें याद होगा ना, ये जो फोर्थ पॉइंट है तुम्हें अलग पॉइंट याद होगा, अगर फोर्थ पॉइंट याद होगा तुम लिखोगे H2 तुमने अलग कर दिया, H2 अलग किया, यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ H2 तो गायब किया है ना मैंने, क्या ले दूंगा मैं ZnSO4, ये बच जाएगा आगे मेरे पास जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला। बातें पता लगी, तुम्हें ऐसा करना है, इसका क्वेश्चन हैंडल कर लोगे भाई, देख लो तुम दोनों हो जाएगा इसका क्वेश्चन। अब सुनो भाई, उसके बाद ना ऐसा ही मेरे पास क्या है कि अच्छा वैसे ना इसका तुम्हारे बुक में एक ना एक्सपेरिमेंट है, इसका तुम्हारे बुक में एक्सपेरिमेंट है, वो देख लेना, बुलबुले निकलने वाले हैं कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उसको समझा दूंगा या फिर वैसे बता सकता हूँ, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी वो टाइम वेस्ट का कुछ नहीं है, तुम्हें समझ में आना चाहिए वाला। भाई अगला मेरे पास जो है फिफ्थ रिएक्शन है, मतलब कि पाँचवा जो मेरे पास पॉइंट है एसिड, हम पता ना एसिड के पॉइंट पढ़ रहे हैं, पहले मेरे पास सॉल्ट टेस्ट है, दूसरा मेरे पास क्या है भाई कि जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता है, मतलब कन्वर्ट कर देता है। थर्ड पॉइंट है जो एसिड का सॉल्यूशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जो मेरे पास एसिड का सॉल्यूशन क्या करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वो मतलब कि साथ में उसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होता है, विद्युत का उसमें प्रवाह होता है। और फिर जाके जो फोर्थ पॉइंट था मैंने लिखा था एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड सॉल्ट, या फिर सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें दिक्कत तो नहीं है, ये वाला पॉइंट करा दिया मैंने। अब जो भाई फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास वो है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, सुनो भाई अगला मैंने क्या लिखवाया कि एसिड जो एसिड है अगर वो रिएक्ट करता है या तो मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या क्या बनाएगा भाई, ये टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस बनाएगा और वाटर बनाएगा। ठीक है, बात समझ आई। और भाई अगला जो बीच में बचेगा वो सॉल्ट होगा। ठीक है, ये जो मेरे पास बचा है ना एंड सॉल्ट, वैसे भाई तुम्हारा ना बुक में लिखा हुआ नहीं कि सॉल्ट भी बनता है, सॉल्ट उसमें होता ही होता है पहले से ही। क्वेश्चन वैसे पता है रिएक्शन क्या लिखा है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, बस इतना लिखा है रिएक्शन में। मैं तुम्हें पूरा लिखवा है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। इसमें भी क्या लिखा हुआ है कि एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस लिखा है, वाटर भी लिखा तुम्हारे बुक में, तो पूरा क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन गैस एंड वाटर एंड सॉल्ट। बात समझ आ गई, वैसे सॉल्ट हम पहले लिखेंगे, जो सॉल्ट है उसे हम लिखेंगे पहले, टू फॉर्म यहां पे लिख दे रहा हूं मैं सॉल्ट हाइड्रोजन गैस एंड वाटर। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। अब भाई इसके मैं तुम्हें दोनों के एक एक रिएक्शन बताऊंगा, पहला बताऊंगा
एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ, दूसरा एसिड का मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो भाई पहली चीज क्या लिखूंगा मैं इसमें जो तुम्हें पहला बता रहा हूं ना, पहला बताऊंगा मेटल कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, पहला जो मेरे पास है वो है मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट का हमने रिएक्शन किया है भाई किसके साथ, एसिड के साथ। तो क्या क्या बनना चाहिए, सॉल्ट बनना चाहिए पहले, उसके बाद क्या बनना चाहिए भाई, क्या हो रहा है बार बार आज, हाइड्रोजन नहीं है यार, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, सचिन बैठा इसलिए हो रहा है ऐसा, है सचिन तो पढ़ ले। सुनो भाई क्या होता है, मैंने एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर है। ठीक है, ये इस तरह से लिखना है, जो बस वाला गैस है ना उसको काट के कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दो। सुनो क्या लिख पाया मैंने, मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो भाई क्या क्या बनाया मेरे पास, सॉल्ट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो भाई ये मेरे पास बनाएगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर। ठीक है, ये बातें पता लग रही है भाई, इसका मैं तो मैंने जो इसका एक रिएक्शन है वो लिखवा रहा हूँ, मतलब इसका जो एग्जांपल टाइप मान लो वो है मेरे पास कि सोडियम कार्बोनेट, भाई सुनो मेटल के बदले सोडियम ले लिया मैंने और कार्बोनेट तो कार्बोनेट रहेगा, तो सोडियम कार्बोनेट इसको हमने रिएक्ट किया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो भाई क्या बना होगा, ये किसी ना किसी सॉल्ट का नाम आया होगा, जो सॉल्ट है हमारे पास वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर है। बताओ भाई ये बातें पता लग रही है, मैंने क्या बोला कि पहले मैंने मेटल कार्बोनेट उसके जगह सोडियम कार्बोनेट ले लिया, एसिड के जगह मैंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, सॉल्ट जो बना मेरे पास वो सोडियम क्लोराइड बन गया है। ठीक है, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही, और लास्ट में क्या मेरे पास वाटर का वाटर ले लिया। ठीक है, अब जो भाई हमारे पास बात समझो, सोडियम कार्बोनेट का जो हमारे पास साइंटिफिक फॉर्मूला है वो क्या है भाई, हमारे पास Na2CO3, Na2CO3 प्लस जो मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जो मेरे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो है 2HCl, HCl है, और फिर इधर जाके, हाँ भाई सुनो अब क्या देख जाओ, क्या चीज़ हमें दो चीज़ अलग करनी है, इन दोनों में से क्या क्या अलग करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर अलग करना है ना, दोनों का फॉर्मूला पता है। देखो भाई ये चीज़ तो तुम्हें ना, ये चीज़ तुम्हें याद रख जानी होगी, यहाँ से तुम्हें जैसे मान लो अगर कभी भी रिएक्शन शो करना है ना एग्जाम में, अगर तुम कभी भी एग्जाम में रिएक्शन शो करोगे कैसे करोगे, मैं तुम्हें ये चीज लिखवा दूंगा, बहुत सारे मेटल के नाम तुम्हें लिखवा दूंगा। ठीक है, और बहुत सारे जो तुम्हारे पास एसिड है ना इनके नाम लिखवा दूंगा, तुम्हें याद करना है इसको, याद करने के बाद तुम्हें जिस रिएक्शन को वो शो करने के लिए बोलेगा उस रिएक्शन को शो कर देना है। ठीक है, बोलेंगे भाई इस वाले रिएक्शन को शो करो, तुम्हें इस रिएक्शन को दिखा देना है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो क्या देखो मैं क्या करूंगा वो बता रहा हूँ, मैं तुम्हें बहुत सारे मेटल के नाम लिखवा दूंगा, बहुत सारे एसिड के नाम लिखवा दूंगा। ठीक है, तो मैं याद होना चाहिए कि भाई किस रिएक्शन में क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया कि तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर देना है और वाटर अलग कर देना है, किसी भी एक मेटल को लेना, किसी भी एक एसिड को उठा लेना, मैं तुम्हें बहुत सारा लिखवा दूंगा और क्वेश्चन दूंगा घर से करने के लिए, मेरे पास क्या बहुत सारा। देखो तुम क्या करना, किसी भी एक मेटल को उठाना, किसी भी एक एसिड को उठाना। ठीक है, कोई सा एक मेटल, कोई सा एक एसिड उठा लिया, इसको उठाने के बाद क्या करना भाई, बस तुम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को अलग कर देना, बाकी का बचा हुआ यहाँ पर लिख देना। ये तो कर पाओगे ना, बता चुका हूँ मैं अभी, बताया ऊपर जस्ट,
तो भाई क्या क्या अलग करोगे, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि CO2 और प्लस H2O, ये दो चीज अलग कर दोगे, तो जो मेरे पास बचा हुआ है वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, वो आ रहा है 2NaCl, ये चीज है। बताओ ये पहला पता लग गया कि मेटल कार्बोनेट ने रिएक्ट किया है एसिड के साथ जो फॉर्म सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये मैंने पहला वाला बता दिया। अब बता रहा हूँ दूसरा, जब हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं एसिड का, ऊपर का और का है ना, सुनो इसके आगे, देखो भाई अब दूसरा क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो यहाँ पे जहाँ पे हमने मेटल कार्बोनेट लिया वहाँ पे हम क्या लेंगे भाई, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं एक बार कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का भाई सेकंड है, ठीक है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका इसको रिएक्ट किया है हमने एसिड के साथ, तो भाई इसने क्या बनाया होगा, पहला सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और फिर प्लस में वाटर। भाई वाटर का फॉर्मूला बताया ना, हाइड्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है, ये तो चीजें हैं हमारे पास। क्या करेंगे, किसी भी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एक एग्जांपल लिख लेते हैं। तो भाई मैं यहां पे ले रहा हूं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस, भाई एसिड में सेम ले रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहा हूं मैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई यहां से इधर जाके क्या क्या बना होगा, ये यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्ट की जगह पे जो नाम आया है वो है हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, एक मिनट भाई, हाँ सोडियम क्लोराइड, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर है। सुनो भाई, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमें पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका भी हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ये वाला अपने आप बन जाएगा, और हमें इसका पता होना चाहिए और इसका पता होना चाहिए, हमें इसका पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है और इसका पता है H2O होता है, ये दो तो पता है हमें, ठीक है। और इधर वाले हम क्या जाएंगे भाई, इधर वाले हम याद के जाएंगे, ठीक है, इधर वाले हमें याद होने चाहिए। तो N मेरे पास है NaHCO3, इसका है NaHCO3, ठीक है, और जो एसिड है मेरे पास वो तो HCl है। भाई तुम्हें ना एक ना एक चीज़ बताऊंगा, यहाँ देखो मैंने यहाँ पे 2HCl लिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ मैंने 1HCl लिया है, कोई बता पाएगा यहाँ पे मैंने सिर्फ 1HCl क्यों लिया है। तुम्हें कुछ नहीं करना होता, तुम यहाँ पे दो लेना चाहो दो भी ले सकते हो, बस लास्ट में बैलेंस कर देना, तुम्हें लास्ट में बस बैलेंस कर देना और कुछ नहीं करना है, जो तुम्हारे पास केमिकल इक्वेशन है उसका कर देना है, बैलेंस कर दोगे अपने आप खत्म, कोई दिक्कत नहीं आती बड़ी वाली। इधर तुम्हें जैसे मान लो ये याद है लिख दिया, इसमें 2HCl लिखना है लिख दिया, कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या है कि इसमें से तुम इन दोनों को अलग कर दो, ये दोनों अलग कर दिया, जो बच्चे का यहाँ लिख दोगे ना, तो मेरे पास क्या है सोडियम क्लोराइड NaCl। अब सुनो यहाँ देखो बैलेंस कैसे है, मेरे पास ऐसे यहाँ पे एक, ठीक है, देखो तुम्हें ना दोनों तरफ ना बस तुम्हें थोड़ा सा क्या बैलेंस लेके चलना है और कोई दिक्कत नहीं आती, तुम बस दोनों तरफ बैलेंस कर लो और बाकी बात सुन। देखो H ये रहा, एक H ये रहा, एक H ये रहा, दो H हो गए, दो H ये रहा, ठीक है, मेरे पास क्या एक बार Na है, NaCl हो गया अपने आप बैलेंस, हमें बस बैलेंस करके चलना है। और मेरे पास CO3 के हिसाब से CO2 मेरे पास उस साइड है, देखो इधर अगर मैं CO3 लिखा हुआ है ना,
CO3 लिखा है, तो CO2 मेरे पास यहां पे और A कह रहा 3 हो गया बैलेंस। हमें क्या देखना, बैलेंस होना चाहिए बस। बैलेंस नहीं हुआ भाई तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तो भाई ये मेरे पास बता दें, मैंने तुम्हें टोटल 5 पॉइंट बताए, ये 5 के 5 पॉइंट अगर तुम्हें याद रहते ना तो भाई मान लो अच्छा खासा कर सकते हो। उसके बाद ना हमारे पास थोड़े बहुत पॉइंट और हैं, ठीक है, 6 मतलब कि छठा पॉइंट भी है, सातवां पॉइंट, ये सारा भी एसेट के बारे में। तो मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में हल्का सा रिवाइज करा दूंगा सारा, फिर जाके इसके जो आगे के पॉइंट होंगे वो सारे सारा कराऊंगा। कर लो सो नोट डाउन।